तेनाली, नॉइज पोल्यूशन। सर कुछ नहीं हो सकता, आपको मेरी सुननी पड़ेगी। लॉयर साहब ये कौन है? मैडम मैं तेनाली रामाकृष्णा, BA BL। सर ने मेरे बारे में आपसे पूछा होगा ना? तेनाली रामाकृष्णा नाम का लॉयर आपसे मिला था क्या? टिश्यू पेपर। हाँ जी हाँ मैडम, वो टिश्यू पेपर मैं ही हूँ। मैडम मेरे बारे में आपको शायद पता नहीं, लेकिन आपके बारे में मैं सब जानता हूँ। मेरी लॉयर साहब से कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, ये सब मिलकर आपको फंसा रहे, बस यही प्रॉब्लम है। मुझे फंसा रहे हैं? अरे क्या लॉयर साहब, आपने बताया नहीं। तेनाली तुम बोलो। मैडम ये सही है मैडम, वहाँ पर देखिए कौन बनेगा करोड़पति में, कौन 1 करोड़ रुपया जीत लेगा, ऐसी ऑडियंस की तरह शक्ल लेकर जो वहाँ पर खड़ा है ना, वो है। और वो देखिए रात में शराब की बोतल कहाँ से मिलेगी ये सोचकर इंतजार करने वाला वो आदमी, और ये बाहर से व्हाइट एंड व्हाइट क्यूट मिल्की बॉय की तरह दिखने वाला ये आदमी, तीनों मिलकर आपको मर्डर केस में फंसाने का प्लान कर रहे हैं। इसलिए 80 एकड़ का आम का बगीचा इन्होंने वकील साहब को दे दिया है। ये रहा प्रूफ, ईसी पेपर। मैम इसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, झूठ है ये। अगर आप केस हारना चाहती है तो हार जाइए, बेल भी दिलाने की बात की होगी। सिम्हाद्री नायडू इस शहर से आपका नाम मिटाने के लिए आपको इस केस में फंसाना चाहता है। 10 लोगों को खाना खिलाने वाला हाथ किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ता, हथकड़ी पहनाता है। वकील बनकर किसी की हेल्प नहीं किया तो क्या किया? इन्हें जेल में मत भेजिए। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, आगे आपकी मर्जी। चक्रवर्ती जी आप ये केस छोड़ रहे हैं, देखिए एनओसी लेटर भेज दीजिए। मैम लेकिन ये इस तेनाली की पूछ पकड़कर आप कैसे केस जीतती हैं ये मैं भी देखता हूं। अरे उस कंटेनर में से बाहर कैसे आया? उस तेनाली ने मोबाइल फोन जूते में छिपाया हुआ था, फिर उसने ऐप से बिरयानी का ऑर्डर दे दिया और स्विगी बॉयज वहां पर पहुंच गया, उन्होंने गाड़ी को रोक दिया। अब हम क्या करें भाई? तुम लोग भी मटन बिरयानी की ऑर्डर दो और पेट भर कर खाओ, जाओ। अरे ओ गधे, हर किडनैप के पीछे कोई वजह और कोई डिमांड होती है, तेरी क्या डिमांड है बोलना, उसके बाद मरना। बॉस से पूछना होगा। अरे कौन है तेरा बॉस, बोल उसको सामने, मैं उसकी तो मैं हाँ रुक जाता हूँ। हाँ बॉस, केस आगे चला गया है, जज साहब को छोड़ सकते हो। दर्जी मिल गया। फिर मैंने किडनैप किसको किया? ठीक है तू फोन रख। क्या हुआ? अब बताता हूँ। सर आप कपड़े काटने वाले दर्जी नहीं है क्या? अरे मैं कपड़े काटने वाला दर्जी नहीं हूँ, अपराधी को सजा सुनाने वाला जज हूँ। सॉरी सर, दर्जी समझ के आपको किडनैप कर लिया सर। मेरे दोस्त की बहन की शादी में 3 लाख के कपड़े सिलेगा ये कहकर वो 3 लाख रुपए लेके भाग गया था, मैंने वही समझ के आपको किडनैप कर लिया। छे, छे, सारी मेहनत बेकार हो गई। अरे तूने मुझे जज समझ के किडनैप किया ना, उस बात का मुझे जरा भी दुख नहीं है, लेकिन तूने मुझे दर्जी समझ के किडनैप किया ये सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। अभी मैं आपको किडनैप से रिलीज करता हूँ, आप जा सकते हैं सर। छतरी देना प्लीज। ये लीजिए जी। ये सुन, मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए। क्या? कि तूने मुझे किडनैप किया है ये बात किसी को बताना मत। ट्राई करता हूँ, मैं कुछ भी बोलकर मैनेज कर लूंगा कोर्ट में। ए, चलो रे। बोलो। वरलक्ष्मी जी का केस अब आगे चला जाएगा ना? हाँ चला गया। वरलक्ष्मी जी का केस तुम्हें मिल जाएगा ना? मिल तो गया। नेक्स्ट हमारी शादी के लिए लाइन क्लियर हो गई है ना? क्लियर हो गई है। शादी होने के बाद सिर्फ और सिर्फ मेरी चलेगी, आई एम द क्वीन। और मैं गुलाम। आप तो वरलक्ष्मी के बगल में खड़े होकर कटप्पा ने जैसे बाहुबली को मारा था वैसे आप उसे जेल में डालना चाहते थे ना?
तेनाली एन मौके पर आ गया और हमारा सारा प्लान खराब कर दिया। हमारा एटम बम फुस्सी बम बन गया। अरे हमारे जैसे समुद्र के सामने वो बस एक छोटी सी मछली है। उस तेनाली को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। फॉल्स विटनेस को हमें अच्छी तरह तैयार करना होगा। श्योर सर, कल मैं गवाहों को आपके घर लेकर आऊंगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ये मेरी धर्म पत्नी है। हाँ, लेडी विटनेस है ना। हाँ सर। ठीक है बैठो जी। कल कोर्ट में जो तुम गवाही देने वाले हो पक्का होना चाहिए। सामने वाला लॉयर कितना भी कंफ्यूज करे, कॉन्फिडेंट होकर सारे सवालों का जवाब देना, तभी उस वरलक्ष्मी को सजा मिलेगी और हम सब लोग बाहर निकल पाएंगे। कल कोर्ट में तुम्हें क्या कहना पता है? मैं और मेरे पति कल कोर्ट में आएंगी। आपने जैसा बोला है वैसा बोलेंगी। ये तो गाना गा रही है। मेरी बीवी बातें करते समय भी गाती रहती है। ऐसा क्या? सर गाने की प्रॉब्लम है लेकिन गवाही परफेक्ट देगी। हम जो गवाही देंगे जज साहब मानेंगे और राज्य प्रकार के तौर पर उन्हें सजा मिल जाएगी। अब राज्य प्रकार नहीं बहन, कानून प्रकार से सजा मिल जाएगी। अरे किरण सर, मैंने कितने लोगों की हस्की वॉयस सुनी है लेकिन इतनी रिस्की वॉयस कभी नहीं सुनी। सर तुम्हारा नाम क्या है बहन? मेरे माता पिता ने मेरा नाम कमला रखा। मेरे पति मुझे प्यार से बच्ची बुलाते हैं। हमारे घर में दूध आता है सुबह विजया डेरी का। किरण सर टेक केयर। यस सर। कल कोर्ट में ऐसी गलती ना होने पाए सर। जज साहब कंफ्यूज होने चाहिए। ठीक है सर, आते हैं सर। ठीक है सर। डोंट वरी सर, मैं संभालूंगा। ओके। सुनो बहन, अरे तेनाली, भगवान के चमत्कार भी बहुत अजीब होते हैं। उस चक्रवर्ती ने इसी कोर्ट में मेरी आंखों से आंसू गिराए थे। वो मामूली वकील नहीं बल्कि बहुत खतरनाक आदमी है। शेर से मुकाबला करके पता चलता है कि हम शेर हैं या बकरी। मैं बस यही चाहता हूं कि मेरा बेटा केस जीते। चक्रवर्ती जी, प्रोसीड कीजिए। थैंक यू योर ऑनर। वरलक्ष्मी जी, अगस्त 8 तारीख को मर्डर वाले दिन आप कहाँ थी? घर पर थी। क्या कर रही थी? सो रही थी। उस वक्त आप घर पर सो रही थी, ये प्रूफ करने के लिए आपके पास कोई एविडेंस है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अरे तेनाली, जज साहब पीछे हैं, उधर घूम के बात करो। सॉरी योर ऑनर, ऑब्जेक्शन। क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्शन? योर ऑनर, एक महिला रात में कहां सो रही थी, कैसे सो रही थी, ये बोलना महिला का अपमान है। योर ऑनर, मर्डर केस में औरत मर्द में कोई फर्क नहीं होता। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। तो हम फिर से पॉइंट पर आते हैं। आप उस दिन अपने घर में सो रही थी, उसका प्रूफ चाहिए। आपके पास कोई सबूत है? कोई सबूत नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। ओके वरलक्ष्मी जी, अब आप जैसे बड़े लोगों के घर में सिक्योरिटी पर्पस के लिए सीसीटीवी कैमरे तो लगे होंगे। उस दिन आप अपने घर में सो रही थी, ये प्रूफ करने के लिए कैन यू प्रेजेंट सम कैमरा फुटेज टू द कोर्ट प्लीज? दो दिन पहले हमारा सीसीटीवी कैमरा खराब हो गया था, इसीलिए फुटेज नहीं मिल सकती। रियली? पॉइंट टू बी नोटेड अगेन योर ऑनर। फिर से ऑब्जेक्शन योर ऑनर। किस बात का ऑब्जेक्शन है योर ऑनर? घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो इससे ये साबित तो नहीं होता ना कि इन्होंने मर्डर किया था। चक्रवर्ती जी। योर ऑनर। वरलक्ष्मी ने मर्डर किया, इसका आपके पास कोई आई विटनेस है क्या? है योर ऑनर। कैन आई रिक्वेस्ट टाउन सीआई किरण जी टू प्लीज कम टू द विटनेस बॉक्स प्लीज? ओके प्रोसीड। सो सीआई किरण, मर्डर के उस रात को क्या हुआ था? मर्डर हुआ था सर। मजाक कर रहे हो? सीरियसली मर्डर हुआ था सर। मुंह बंद करो और जो तय हुआ है वो बोलो। सच सच बताओ कि उस दिन क्या हुआ था। सर उस दिन आजाद नगर सर्कल के पास सुबह 4:25 में मर्डर हुआ था सर। 5 मिनट के अंदर मैं मर्डर वाली जगह पे चला गया। सुबह मर्डर होने की वजह से वहाँ कोई विटनेस नहीं मिला। सुबह 6 बजे एक अनजान कपल का फोन आया और उसने इस मर्डर को होते हुए देखा। ऐसा गवाही देने के बाद मैंने सुबह 8 बजे वरलक्ष्मी जी को अरेस्ट किया था सर। थैंक यू सर। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर,
टू टाउन एसआईजी से मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछ सकते हो। थैंक यू योर ऑनर। इंस्पेक्टर साहब। सर। जिस दिन मर्डर हुआ था उस रात को क्या हुआ था? मर्डर हुआ था सर। देखिए सर, मर्डर होने के बाद क्या हुआ था बताइए। कांस्टेबल के फोन करने पर मैं गया था। पुलिस स्टेशन गए थे या स्पॉट पर गए थे? स्पॉट पर गया था सर। स्पॉट पर कितने बजे गए थे? 6 बजे गया था सर। गवाह स्टेशन आया था या आपको फोन किया था? नहीं सर, मुझे फोन आया था सर। 4:30 बजे मर्डर हुआ था तो 6:30 बजे आपको फोन क्यों आया? गवाह डर गए होंगे सर। 2 घंटे बाद उनका डर चला गया क्या? कुछ सोचा होगा उन लोगों ने। ओके सर, गवाह ने आपको फोन किया भी होगा, पर गवाह के पास आपका फोन नंबर कैसे आ गया? वो प्लीज नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। अब आप जा सकते हैं। आप जाइए सर। योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने जो गवाह प्रोड्यूस किया है उन सभी से क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए मैं अनुमति चाहता हूँ। ओके प्रोसीड। नमस्ते सर। नमस्कार सर। आनंद साहब, वरलक्ष्मी जी ने पत्रकार का मर्डर किया अपनी आंखों से देखा आपने? हाँ सर, सुबह 4:30 बजे हमने अपनी इन चारों आंखों से देखा था सर। उस वक्त वहाँ आप लोग क्या कर रहे थे? उस दिन हम लोग गाड़ी में कानूल से श्री सेलम घाट रोड से विजयवाड़ा गए थे। तुम्हें यहाँ गवाही देने के लिए बुलाया, गाना गाने के लिए नहीं। सर मेरी धर्म पत्नी जो भी बोलती है गा के ही बोलती है सर। हाँ तो ठीक है, गाओ। विजयवाड़ा स्वर्ण पैलेस होटल में हम लोग रुके थे, फिर दुर्गा माँ के दर्शन किए थे, फिर पुजारी जी ने आरती दी, उसके बाद हमने प्रसाद खाया, उसके बाद हमने प्रदक्षिणा की थी। यहाँ पर मुझे जजमेंट देने के लिए जो मूड सेट किया था वो चौपट हो गया। कम से कम गाने का सुर तो अच्छा होना चाहिए, बर्तन में पत्थर आते हैं ऐसी साउंड आ रही है। वो ऐसे ही चिल्लाते हैं, तुम शुरू हो जाओ। बोलिए अब। उसके बाद हमने दर्शन किए, उसके बाद कानूल के लिए रिटर्न 2 टिकट लिए, गुंटूर से श्री सेलम वाया कानूल आ गए। अरे हाँ आ गए, दर्शन किए उतर गए। मेरे गुस्से का पारा बढ़ता जा रहा है, जो बात है सीधी बताओ ना। बता रही हूँ, आप गुस्सा मत होइए, शांति से सुनिए जज साहब। गाओ। ऑटो से उतर के जा रहे थे, आजाद नगर रोड की तरफ बढ़ रहे थे, फिर धीरे धीरे बारिश हो रही थी, तभी वहाँ वरलक्ष्मी जी आई, तब देखा अचानक किसी आदमी का गला काट दिया गया, फिर वो तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ रहा था। हम लोग बहुत डर गए थे। अरे बात करो, तुम्हारी वजह से कुछ लोगों की जाने जा रही है। कोर्ट का वकील अपने आप को संभाल नहीं पा रहा और बाहर जाके उल्टी करने पे मजबूर हो गया है। अरे ऐसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ ना।